आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं तंत्र और मंत्र की। आप जानते होंगे कि जब भी कोई जिंदगी में हारता है तो वो तंत्र और मंत्र दोनों का सहारा लेता है, या फिर किसी को हराना चाहता है या फिर उठना चाहता है। आइए आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि हिंदुस्तान के वो कौन से 5 ऐसे शहर हैं जो तंत्र मंत्र और काले जादू के लिए जाने जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति के प्रगति में कोई चीज बाधक होती है तो वो भाग की या तो ज्योतिषाचारी के पास जाता है या फिर किसी तांत्रिक के पास जाता है। और ये सदियों से सच है कि जहाँ तंत्र है वहाँ मंत्र भी है, यानी कि मांत्रिक पूजाएं भी होती हैं जो मंत्रों के साथ होते हैं और तांत्रिक पूजाएं भी होती हैं जो तंत्रों के साथ होती है। तो आइए अब हम सीधे स्टोरी शुरू करते हैं। देश में कई ऐसे शहर हैं जहाँ टोटके टोने वाली कई एक्टिविटीज होती है, जहाँ लोग तंत्र मंत्र के लिए जाने जाते हैं, और आज उसी की कहानी आप लोगों के साथ। दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी जादू टोने से जुड़ी कई एक्टिविटीज बैन हैं। इसके बावजूद भी लोग कई बातों के लिए जादू टोने पर विश्वास करते हैं, बल्कि कई गतिविधियां भी छुपते छुपाते करते रहते हैं। आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां आज भी काला जादू की एक्टिविटीज करवाई जाती है। भारत में काला जादू एकदम बैन है, लेकिन फिर भी लोग हर तरह की समस्याओं का हल निकलवाने के लिए कई प्रकार के जादू न केवल करते हैं बल्कि उसका खुद से भी अभ्यास भी करते हैं। तो चलिए सीधे अब जगहों पे चलते हैं। पहली जगह है कुशाभद्रा नदी जो उड़ीसा में पड़ती है। और आपको बता दें कि कुशाभद्रा नदी के आसपास और नदी के नीचे दर्जनों हड्डियां और खोपड़ियां पाई जाती हैं, क्योंकि इस जगह पर काला जादू सबसे ज्यादा किया जाता है। दूसरी जगह मणिकर्णिका घाट वाराणसी की है। ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है और इसके बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा। वाराणसी जैसी पवित्र भूमि भी काले जादू का केंद्र है। कहा जाता है कि यहां कई अघोरी बाबा शमशान घाट पर रहते हैं और लाशों को खाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनकी शक्तियां बढ़ती हैं। मणिकर्णिका घाट वह जगह है जहां गुप्त रूप से काला जादू किया जाता है। तीसरी जगह की बात करें तो निमतला घाट कोलकाता। कोलकाता को भला कौन नहीं जानता, जहां की दुर्गा पूजा भी उतनी ही मशहूर है जितना काला जादू। काला जादू और कोलकाता को लेके कई गाने भी मशहूर हैं। मणिकर्णिका घाट की तरह ही निमतला घाट भी काला जादू का केंद्र माना जाता है। यह मृतकों के अंतिम संस्कार का स्थान है। आधी रात को अघोरी बाबा इस स्थान पर आते हैं और मृतकों की लाशों के अवशेष खाते हैं और यहां पर वो अपनी साधना करते हैं। अगली जगह की बात करें तो मायोंग विलेज जो कि असम में पड़ता है। मायोंग गांव सदियों से काला जादू के लिए मशहूर है। यहां तक कि मुगल जनरलों और अंग्रेजों को भी इस गांव में आने से डर लगता था। काले जादू के कारण मायोंग गांव में कई लोग गायब हो जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है। इस जगह पर काला जादू से जुड़ी कई कहानियां हैं। उनमें से यह एक है कि यहां के लोग जानवरों में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्रामीणों की अधिकांश आबादी काला जादू जानती है और उसका अभ्यास करती है। यहां रहने वाले लोगों का मानना है कि शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है और जिसको ये लोग भी लेकर चलते हैं। अगर अगली और आखिरी जगह की बात करें तो सुल्तान शाही जो कि हैदराबाद में पड़ती है। मुख्यतः पास में सुल्तान शाही ऐसी जगहों का एक प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ ऐसे अलग अलग बाबा हैं जो काला जादू करते हैं, कुछ पैसे वसूल करते हैं तो कई लोग इसके बदले संभोग के लिए कहते हैं तो पशु बलि की मांग भी करते हैं। हैदराबाद में 3 और जगहों पर काला जादू किया जाता है, जैसे चित्रका, मुगलपुरा और शालीबंद। जब आप इतिहास में पढ़ेंगे तो आप इन जगहों को और इन जगहों से हुए कारनामों को जानकर हैरान रह जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काला जादू नहीं मानते, और अगर वो काला जादू नहीं मानते हैं या वो ऐसे तांत्रिक क्रियाओं को नहीं मानते हैं तो मैं ये दावा करता हूँ कि आप इन बताई गई 5 जगहों पर जाएं और आपको प्रमाण अपने आप मिल जाएगा।